बस वो परेशान होंगे कि ताकि आप देख ना लें आवाम तक ना बात पहुंचा दें। कल भी खासतौर पे देख सुना शीशे लगे हुए थे आपको, बहुत ज्यादा शीशे लगे हुए थे मीडिया वालों को। तो खान साहब ने सर ये पूछा था कि आपको आवाज आ रही है, उनका कोई वो भी नहीं आवाज आई। तो जज की क्या आवाज आ रही है, ट्रायल की क्या आवाज आ रही है, जब आप सुन ही नहीं सकते तो फिर आपका ख्याल है कि ये फेयर ट्रायल कैसे हुआ? तो क्या अपील करोगी आप? हम क्या कर सकते हैं आप बताएं? आप एहतजाज कर सकते हैं कि आपको इजाजत नहीं मिली, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? आप ही को कह सकते हैं कि ये जो अंदर हो रहा है ये ट्रायल कोई नहीं है, ये मजाक है। इन्होंने खान साहब के ऊपर कोई इतफात लगानी होगी सजाए मौत की, लेकिन हम तो आराम से नहीं बैठेंगे। बंद कर दिया था तो क्या कहेंगे इस बात पे? वैसे ही बंद कर दिया। मैम हिब्बा बुखारी से आपकी कोई मुलाकात हुई है? हिब्बा बुखारी से फवाद चौधरी की बीवी इधर, यहाँ पे और कोई नहीं होता सिवाय वो इधर थी, वो इधर ही थी, आपसे मुलाकात हुई? बाहर हम मुझे तो लगता है सब पे इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि वो उनकी भी शायद जरूरत ना हो कि जब से पहले तो केस ही के ऊपर देखते हैं। अगर आप केस को हम तो बारी बारी कहते हैं, अगर आप इस केस को देखें तो ये तो एक पैगाम गवर्नमेंट को भी देता था और वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में नहीं पैगाम तो उधर से जो आया था जिसके पीछे खान साहब को सजाए मौत हो सकती है, वो तो ये था कि एक डॉनल जो है उन्होंने भाजपा साहब के लिए पैगाम भेजा था और महमूद साहब जेल में। खान साहब के खान साहब के कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी हैं इसके हवाले से, ऐसा कर के हवाले से उनकी कोई कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है। आप सारा कुछ निकाल के देख लें। कभी कहते हैं कि प्लान वहां से बना था, फिर प्लान यहां से बना था, ये कॉन्ट्रेडिक्टरी बिल्कुल नहीं है। मतलब उनका मकसद ये था कि भाजपा साहब ने हुसैन हकानी को हायर किया था, ये तो सबको पता है, आपको जाके देख लें। हुसैन हकानी साहब ने लड़ाई भी किया हुआ है तो जाके फिर उसका तो निकला है अमरीका में, वो तो हायर था, उसको तो पैसे दिए गए हैं, वो ऑन रिकॉर्ड है अमरीका में जाकर। आप लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आपको दो मिनट में फारा के रिकॉर्ड चेक करें। इमरान खान को भी कभी पता चला था जब उन्होंने अमरीका के पब्लिक रिकॉर्ड में आया था कि हुसैन हकानी को हकानी साहब कहते हैं भेजा हुआ है उसका कोई, अकानी साहब कहते हैं मैंने कोई डिफेमेशन और आपके पास कहीं है तो हमें भी दिखा दें। वो लेटर भिजवाया है।